दोस्तों 2021 खत्म होने वाला है और 2022 आने वाला है। बहुत सारे भाई लोग सोच रहे हैं कि हम किसी भी टॉपिक पर नया YouTube चैनल बना लें। तो आज की वीडियो में मैं तीन ऐसे टॉपिक आपको बताने वाला हूं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, एंड इन चैनल्स को आप आपके इंटरेस्ट के अनुसार 1 से 2 महीने में या लास्ट 4 महीने में मोनेटाइज करवा सकते हो और अर्निंग भी आपको कम नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक हैं जिनमें लाखों में व्यूज़ आते हैं। उनके एग्जाम्पल भी मैं लेकर आया हूँ, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा और आप कुछ सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा, ताकि अगर आपके इंटरेस्टेड हो इन चीज़ों में काम करने के लिए तो आप इस पर चैनल बना सकते हो और ट्रेंडिंग चीज़ों को कैसे पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं टेक्निकल दस यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है टेक्निकल दस, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए पहले टॉपिक की ओर हम चलते हैं। दोस्तों सबसे पहला कैटेगरी हम रखने वाले हैं एंटरटेनमेंट। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत पुराना हो गया, इसमें तो कचरा भरा पड़ा है, सब कॉमेडी बना रहे हैं, कोई क्या बना रहा है, कोई क्या। लेकिन 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 पहले मेरी बात को समझो। आपको पता है इंस्टाग्राम पर कोई रील्स या किसी भी टॉपिक या किसी भी सॉन्ग को लेकर वायरल हो जाती है। यूट्यूब पर कोई सॉन्ग थोड़े दिन पहले चांद वाला मुखड़ा, वो सॉन्ग वायरल हो गया था, उन्हीं को लेकर लोगों ने पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाए। वो होता है एंटरटेनमेंट, जिसमें लोगों को मज़ा आता है। इसमें लोग 15 साल से लेकर 50-60 साल तक के लोग हर कोई वीडियो देखता है। ये यूट्यूब टिप्स नहीं है, जो इसको 30 साल तक के लोग ही देखते हैं, जो यूट्यूबर है वही देखते हैं और उसमें भी व्यूज बढ़ जाते हैं। यानी कि आपको पता है एंटरटेनमेंट में हर बंदे का अलग अलग कंटेंट होता है, लेकिन यूट्यूब टिप्स में बहुत सारे लोग कहते हैं व्यूज कम आते हैं। भाई व्यूज का एक प्रॉब्लम होता है कि मान लो मैंने भी वही यूट्यूब का अपडेट बताया और मेरे जैसे बहुत सारे जो मेरे क्रिएटर भाई लोग हैं उन्होंने भी वही अपडेट बताया, तो व्यूज तो बटेंगी। तो इस तरीके से आप एंटरटेनमेंट पर काम करो तो पब्लिक रिएक्शन वीडियो ले सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स पर जो आती है उनके रिएक्शन आप ले सकते हो। टैलेंट आपके अंदर, सिंगिंग का टैलेंट है आपके अंदर, कॉमेडी का टैलेंट है आपके अंदर, डांस का टैलेंट है, वो आप लोगों को दिखा सकते हो। इसके अलावा सॉन्ग डांस, यानी कि कोई रील्स वायरल हो रही है कोई सॉन्ग, तो उस पर आप पब्लिक में जाकर डांस कर रहे हो, यानी उनको फनी वे में सिखा रहे हो। मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूं, वो देखिए फिर आपके समझ में आएगा। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। तो आपने क्लिप देखी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ। यानी कि आपको अपने टैलेंट के अनुसार पब्लिक में रिएक्शन करके वीडियोस बनानी है। आप इंस्टाग्राम रील्स ले सकते हो, आप कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग ले सकते हो, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ऐसा सॉन्ग, या कोई टॉपिक ऐसा ले सकते हो जो पब्लिक बहुत ज़्यादा सुन सुन के उसको खुशी महसूस करती है, तो उसी को आप पब्लिक में जाकर रिएक्शन करोगे तो वो बहुत ज़्यादा चलेगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक एंटरटेनमेंट, जो 1 से 2 महीने में आपके चैनल को मोनेटाइज करवा सकता है, क्योंकि इसमें मिलियंस में व्यूज जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे सिर्फ 30 दिन में कंप्लीट हो जाए। अब चलते हैं हम सेकंड कैटेगरी की तरफ और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 में। अब से पहले इसका कोई ट्रेंड नहीं था, बिजनेस या फिर अर्निंग से रिलेटेड। अब देखो बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, घर बैठे हैं, तो अलग अलग तरीके के माइंडसेट बना के रहते हैं, अलग अलग तरीके खोजते रहते हैं कि मुझे कैसे अर्निंग करनी है, कैसे बिजनेस करना है। उसमें कुछ चीज़ें आती है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसे बोलते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। बिजनेस को कैसे सेटअप कर सकते हो आप 5 से 10 हज़ार रुपये में, कैसे अलग अलग तरीके के बिजनेस ढूंढ सकते हो। आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले प्रूफ दिया था, एक हमारा दोस्त है उसके सिर्फ 30 दिन के अंदर स्टॉक मार्केट का चैनल बनाया था और वो चैनल 30 दिन में मोनेटाइज हो गया था। यानी कि ये सर्चेबल टॉपिक्स है और इनके ऊपर सबसे कम कॉम्पिटिशन है। अगर आप इन चीज़ों को करना चाहते हो, अब आप मोटिवेशनल में जाओगे, आप कॉमेडी में जाओगे, यानी जो कॉमेडी बनाते हैं उनमें भरा पड़ा है भंडार, लेकिन कुछ नई चीज़ें एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं। कैटेगरी वही रहेगी लेकिन काम आपका अलग रहेगा। अब बिजनेस और अर्निंग में आप स्टॉक मार्केट में बहुत कम चैनल है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इसमें कम है। बिजनेस सेटअप करना, किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, स्टॉक मार्केट में आप न्यूज़ शेयर कर सकते हो, आइडिया शेयर कर सकते हो, कौन सा शेयर घट रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, अगर आपको नॉलेज है तो।
अब हम चलते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पर, और ये कैटेगरी मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है और शायद मैं भी आपको हर 7 दिन में इस टाइप की वीडियोस देने लगूंगा। ये है रिएक्शन चैनल। अब रिएक्शन क्या मतलब, आपका इसमें थंबनेल भी नहीं रहेगा, आपका सिर्फ आपका ओपिनियन रहेगा, बाकी क्या रहेगा, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोज़ के ऊपर आपको ओपिनियन देना है। अब आप सोचोगे कि भाई तो कॉपीराइट कंटेंट हो गया। नहीं भाई, नहीं, खुद से जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी तरीके से आपको वीडियोस बनानी है, उसके बाद में आप उस पर अपना ओपिनियन दे सकते हो। मैं कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के थंबनेल यूज करे जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती मोनेटाइजेशन में, और आपका कॉन्टेंट ढूंढने में भी कोई कमी नहीं, क्योंकि भर भर के कॉन्टेंट है और व्यूज लाखों में व्यूज है। तो ये 3 कैटेगरी थी, आपको कैसे लगी? इसके अलावा मैं एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें 10 से 20 30 कैटेगरीज आपको ऐसी बताऊंगा जिनमें कम कंपटीशन और चैनल जल्दी ग्रो होगा और अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना और एंड स्क्रीन वाली वीडियोस देखो और सीखो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा।